हेलो एवरीवन, आज का वीडियो सभी व्यूअर्स के लिए उपयोगी है और हम चाहेंगे कि इसे अंत तक जरूर देखें। तो चले अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज 43K, 6K एंड 10K MCB, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ MCB, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट एट एनी सर्किट पॉइंट एंड एक्सप्लेन शॉर्ट सर्किट करंट विथ एग्जाम्पल। चलिए एक एक करके समझते हैं इस चीज को। पहला स्लाइड जो है, व्हाट इज 3K, 6K और 10K MCB। नॉर्मली हमारे व्यूअर्स इसमें थोड़ा सवाल करते हैं, जो सर इसको थोड़ा डिटेल बताइए, ये MCB के अंदर ये 3K, 6K और 10K MCB क्या रहता है। सो दिस 3K, 6K, 10K MCB इज नथिंग बट ए शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। मतलब किसी भी जगह अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो उस लेवल का जो मैक्सिमम करंट होगा वो 3000, 6000 और 10,000 होगा। बेस्ड ऑन डैट उस MCB को हम लोग डिजाइन एंड सेलेक्ट करते हैं। द सर्किट ब्रेकर मस्ट बी ट्रिप बिलो दिस लेवल। जो कोई भी सर्किट ब्रेकर अगर इस तरह से डिजाइन किया गया है तो उसके पहले सर्किट ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए। इफ द करंट गोज बियॉन्ड दिस वैल्यू द सर्किट ब्रेकर कुड बी डैमेज। इसके अगर ऊपर कोई शॉर्ट सर्किट करंट जाती है और सर्किट ब्रेकर अगर रेटिंग अगर कम लगा हुआ है ब्रेकिंग कैपेसिटी का, तो वहाँ पे वो डैमेज हो सकती है सर्किट ब्रेकर। किलो एम्पियर रेटिंग इज नॉन एज द शॉर्ट सर्किट विथ स्टैंड कैपेसिटी और अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर। इन एसी सर्किट, कभी भी साइनसॉइडल वो में एसी सर्किट जीरो से स्टार्ट होती है करंट एंड इट गोज टू द पीक करंट, मैक्सिमम करंट जाती है, जिसको हम लोग प्रोस्पेक्टिव करंट भी बोलते हैं और उसको अल्टीमेट भी करंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ MCB। द करंट सर्किट ब्रेकर मस्ट बी ट्रिप बिफोर रीचिंग दिस पीक वैल्यू। दिस इज कॉल्ड द कट ऑफ वैल्यू एंड ऑल्सो इंश्योर द क्लियरेंस ऑफ द फॉल्ट इन लेस देन हाफ साइकिल। इस लाइन को थोड़ा सा हम अगले स्लाइड में इन डिटेल से समझते हैं। ये जो स्लाइड है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेकिंग कैपेसिटी विथ ग्राफ, इसको ग्राफ के जरिए थोड़ा सा और हम इसको समझते हैं होता है क्या चीज। ये साइनसॉइडल ग्राफ है। नॉर्मली जो एसी सर्किट जो चलती है वो एसी ग्राफ के ऊपर चलती है, जिसमें हमने वर्टिकल पे करंट रखा है एंड हॉरिजॉन्टल पे हमने टाइम का रखा है। तो ये जो करंट है जो आपको एरो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ MCB इज कॉल्ड द प्रोस्पेक्टिव करंट और अल्टीमेट करंट। दिस जिसको हम लोग मैक्सिमम करंट बोलते हैं, मतलब 10 किलो एम्पियर, 6 किलो एम्पियर और 3 किलो एम्पियर की बात करते हैं, वो ये वैल्यू होता है। MCB जो है ना, उसके पहले वो ट्रिप हो जाता है, जिसको हम लोग कट ऑफ करंट बोलते हैं, जिसको ट्रिप करंट ऑफ MCB बोलते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज द डिजाइन ऑफ MCB एंड द करंट लिमिटिंग डिजाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डिपेंड करता है जो कोई भी MCB कितनी अच्छी है, उसकी डिजाइन R&D कैसा किया होगा। बेस्ड ऑन डैट MCB का जो वैल्यू वो डिफाइन होता है, बट इसको हम बोलते हैं कट ऑफ करंट और द ट्रिप करंट ऑफ द MCB। ये जो आपको एरो दिखाया गया, दिस इज हाफ साइकिल ऑफ दिस MCB। हाफ साइकिल T1 द कॉन्टैक्ट ओपनिंग टाइम, जब ये शॉर्ट सर्किट होती है तो किस समय कॉन्टैक्ट को ओपनिंग होना चाहिए और किस समय आर्क पूरा एक्सटिंग्विश होके पूरी नॉर्मल कंडीशन माना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड द T1 कॉन्टैक्ट ओपनिंग टाइम। T2 इज करंट एंड द वोल्टेज आर पीक। पीक मतलब होगा जब भी ये शॉर्ट सर्किट में लिमिट होगा, करंट लिमिट जिसमें कट ऑफ करंट होगा, जहाँ पे MCB ट्रिप होगा, उस समय का जो करंट एंड वोल्टेज का जो वैल्यू होगा वो पीक पे होगा, दैट इज मेजर इन द RMS वैल्यू। T3 इज टाइम टू द टोटल एक्सटिंग्विश ऑफ द आर्क। ये जो टाइम दिख रहा है वो कितना टाइम लगेगा, ये टोटल एक्सटिंग्विश आर्क को आपको ये करने में, खत्म करने के लिए एंड देन MCB को नॉर्मल ऑपरेशन में लाने के लिए ये टाइम लगता है। जो हाफ साइकिल टाइम ये आपको समझना है, जो हाफ साइकिल जो टाइम होता है वो 10 मिली सेकेंड होता है। 10 मिली सेकेंड मतलब 0.01 सेकेंड होता है। और ये जो हाफ साइकिल के हाफ साइकिल जो हम लोग पिक करंट का जो एक दिखा रहे हैं, एक लाइन दिखा रहे हैं, वो हाफ ऑफ द हाफ साइकिल है, दैट इज 5 मिली सेकेंड। तो इट मीन सर्किट ब्रेकर मस्ट बी ट्रिप ऑन एंड बिफोर ऑफ दिस टाइम। इतनी फास्ट टाइमिंग इसकी रहती है जिसमें सर्किट ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए, इसको हम लोग 5 मिली सेकेंड के पहले ट्रिप करवाते हैं। और ये डिपेंड करता है टोटली उसके डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन पे। लास्ट जो कट ऑफ करंट मैंने बताया, वो आइदर वो 2 किलो एम्पियर पे, 3 किलो एम्पियर पे या 4 किलो एम्पियर पे, और मे बी 10 किलो एम्पियर ऑफ MCB है, उसकी जो हम 2 किलो एम्पियर और 3 किलो एम्पियर है
उसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये टोटली ये डिपेंड करता है ये करंट लिमिटिंग डिजाइन पे, मतलब ये डिजाइन किस तरह से बनाया गया है, इसका आरएनडी कैसे किए गए हैं। इसीलिए अच्छी एमसीबी का जो कट ऑफ करंट रहता है वो बहुत ही नीचे रहता है, जिसके कारण बहुत ही कम समय में लेस देन 5 मिलीसेकंड्स में ये एमसीबी ट्रिप हो जाती है। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ एमसीबी, इससे थोड़ा सा और आपको डिटेल मालूम चलेगा। एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सर्किट शॉर्ट सर्किट करंट अकर ड्यूरिंग द फॉल्ट, मतलब वो शॉर्ट सर्किट करंट का अमाउंट ऑफ करंट कितना होता है उसके ऊपर हम एप्लीकेशन डिसाइड करते हैं, जो हमको 3K लगाना चाहिए, 6K लगाना चाहिए और 10K लगाना चाहिए। द शॉर्ट सर्किट डेवलप बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू, द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर इन सिंगल फेज और 3 फेज, दैट इज ऑल्सो डिपेंड आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी आपको किस तरह से लगाना चाहिए, ये सिंगल फेज और 3 फेज। डिस्टेंस ऑफ द लोड फ्रॉम द ट्रांसफार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लोड जो है ना वो ट्रांसफार्मर से कितने दूरी पे है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में और थोड़ा डिटेल से बताते हैं। ब्रॉडली 3 किलो एम्पियर यूज एज पर पॉइंट प्रोटेक्शन, जहाँ पे आपके अप्लायंसेस हो, गैजेट्स हो, और जो कॉस्टलियर जो आपके अप्लायंसेस है उस जगह, हेल्थ केयर के जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वहाँ पे हम इस मोटर में, उस वहाँ पे पर पॉइंट प्रोटेक्शन को हम लोग 3 किलो एम्पियर का ब्रॉडली यूज करते हैं। एंड 6 किलो एम्पियर या 10 किलो एम्पियर यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अभी नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा और हम इसको शॉर्ट सर्किट लेवल एट योर होम विथ एग्जाम्पल, आपके घर में जो शॉर्ट सर्किट आएगा वो कितना लेवल का होगा इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए एक पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें एक ट्रांसफार्मर दिया हुआ है जिसका रेटिंग है 1500 KVA। कभी भी ये ब्रेकिंग कैपेसिटी जो डिफाइन होती है वो ट्रांसफार्मर के रेटिंग पे डिफाइन होती है। तो आपके लोकेलिटी में अगर कोई ट्रांसफार्मर है तो जरूर देखें जो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग है वो केवीए में कितना है, और हमारे घर वहाँ से कितने दूरी पे हैं। तो उसकी हम एक कैलकुलेशन, इसके डिटेल कैलकुलेशन के लिए विथ एग्जाम्पल के साथ हम एक वीडियो बनाने वाले हैं अपकमिंग वीडियो में। बट यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, जो 1500 KVA ट्रांसफार्मर है जो एक हाउस से 500 मीटर के दूरी पे है, और एक हाउस दूसरा जो 20 और 30 मीटर के दूरी पे डिजाइन किया गया है। हेयर द ट्रांसफार्मर रेटिंग इज 1500 KVA, दैट इज 1.5 K, 1500 KVA, वन हाउस डिस्टेंस इज मोर देन 500 मीटर्स एंड अदर हाउस इज ओनली 20 to 30 मीटर्स, सो मोर देन 500 मीटर्स फॉल्ट लेवल इज 1500 एम्पियर, दैट इज 1.5 किलो एम्पियर, एंड अदर साइड इज 6 किलो एम्पियर टू 10 किलो एम्पियर। सो 20 to 30 मीटर्स फ्रॉम द ट्रांसफार्मर हाउस 3 किलो एम्पियर MCB विल नॉट बी एक्सेप्टेड। कभी कभी क्या होता है, सोसाइटी के अंदर वहीं से ट्रांसफार्मर सेटअप होता है कि सोसाइटी में, और वहीं से वहाँ से पावर जो है ना वो वहाँ से उस लोकेलिटी में जाता है। तो वहाँ पे जो 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 कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट होगा वहाँ पे 3 किलो एम्पियर MCB आपकी नहीं काम करेगी, वहाँ पे आपको इधर 6 किलो एम्पियर और 10 किलो एम्पियर वहाँ पे वो चीज़ आपको काम करेगी। सो इन कमिंग वीडियो हम इसको और डिटेल से बताएं जो हमारे घर ट्रांसफार्मर से कितने दूरी पे रहेगा, तो कि हमारी ब्रेकिंग कैपेसिटी आपके हम डिफाइन कर पाएंगे जो हमको 6K लगाना चाहिए और 10K लगाना चाहिए। तो इसको हम एक बेस्ट एग्जांपल के साथ, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर के कैलकुलेशन के साथ इस चीज़ को हम अच्छे से समझाएंगे। सो इस स्लाइड में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट एट एनी सर्किट पॉइंट, मतलब ये हो गया जो एक नॉर्मल सर्किट है आपके घर में तो उसमें कितना करंट जाएगा, और अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें कितना करंट जाएगा। हमने प्रीवियस स्लाइड में एक चीज एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, शॉर्ट सर्किट करंट, ए शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट पास थ्रू द लोड एंड फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम वायर टू वायर ड्यू टू द ड्यूरेशन ऑफ द वायर बिकॉज ऑफ द वेरी लो रेसिस्टेंस वैल्यू, हेंस द बिकॉज ऑफ द लो रेसिस्टेंस वैल्यू करंट इज वेरी हाई एंड इट इज मेजर इन द किलो एम्पियर। ये प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था। तो अभी चलिए एक नॉर्मल सर्किट में, जो आपके घर में एक नॉर्मल सर्किट है उसमें कितना करंट जाएगा। तो इस यहाँ पे हम सप्लाई समझिए, आपके घर से सप्लाई 240 वोल्ट हो रहा है, तो अगर एक रेसिस्टेंस, उस वायर की रेसिस्टेंस 0.1 ओम है और आपके बल्ब लगा हुआ है, एक सपोज ये बल्ब है, बल्ब, और जिसकी ओम रेसिस्टेंस की वैल्यू 99.99 सपोज, तो इसमें जो करंट हो जाएगा, जैसे करंट की हम डेफिनेशन करते हैं, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस ओम्स लॉ से, जहां वी इक्वल टू आई आर हमने पहले देखा,
तो वोल्टेज यहां पे कितना है, 240 वोल्ट है और यहां पे रेसिस्टेंस 0.1 है, 0.1 प्लस 99.9, इसका मतलब वो होगा 240, बिकॉज ये रेसिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगा सीरीज में है, तो 0.1 प्लस 99.9, सो दिस इज 240 अपॉन 100, सो द करंट करंट I इज इक्वल टू 240 अपॉन 100, दैट इज 2.4 एम्पियर. सो नॉर्मल करंट, नॉर्मल जो करंट आपके सर्किट में जाएगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2.4 एम्पियर. ये जो करंट की वैल्यू होती है ये एक नॉर्मल करंट हो गया. अभी चलिए एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, जब ये शॉर्ट सर्किट उसी जगह पे एक शॉर्ट सर्किट आएगा तो आपके घर में कितना करंट जाएगा. तो यहाँ पे एक सिंपल है, अगेन सेम फॉर्मूला से, करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ओम्स लॉ से वी इज इक्वल टू आई आर. सो आपको मैं अभी डिफरेंशियल बताया, जो जब शॉर्ट सर्किट आती है तो ये लोड से करंट नहीं पास होके एक वो पाथ को, उस पाथ को फॉलो करता है जहां पे रेसिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होती है. तो यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो है, तो अभी करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ पे ऐसे फ्लो होगा और ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, मतलब इसको बाईपास करेगा. तो वोल्टेज तो उतना ही रहेगा 240 वोल्ट प्लस जो रेसिस्टेंस होगा वो 0.1 होगा, मतलब 240 मल्टीप्लाई 10, इसका मतलब हो गया 2400 एम्पियर करंट हो गया. तो करंट का वैल्यू अगर किलो एम्पियर हम बोलेंगे तो 2400 डिवाइडेड बाय 1000, इसका ये किलो एम्पियर में, ये किलो एम्पियर में होगा. सो करंट इज इक्वल टू 2.4 किलो एम्पियर. अभी देखिए एक शॉर्ट सर्किट करंट में और एक नॉर्मल करंट में क्या वैल्यू होती है, तो ये नॉर्मल करंट 2.4 एम्पियर है, जहां पे शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू 2.4 किलो एम्पियर हो गया. इसीलिए हर एक सर्किट में एमसीबी लगाना चाहिए ताकि कभी भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उस चीज को प्रोटेक्ट किया जा सके. नेक्स्ट वीडियो टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन एंड द डिजाइन ऑफ एमसीबी. व्हाट इज बी कर्व, सी कर्व एंड डी कर्व एमसीबी एप्लीकेशन एंड द डिफरेंसेस ऑफ बी कर्व, सी कर्व एंड डी कर्व एमसीबी. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स टू ऑल एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.